हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने सैम्पल वीडियो में देखा, उस तरह की ही वीडियो एडिटिंग में आप लोगों को आज सिखाऊंगी। वीडियो मैंने बनानी है लाइट मोशन में। आप लोगों के पास अपडेटेड वर्जन मौजूद है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, और अगर ओल्ड वर्जन है तो सिंपल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है न्यू वर्जन का, जो मैं यूज़ करती हूँ, आप लोग उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपल वीडियो बनाने के लिए प्लस पर टैप करेंगे, 9:16 रेशियो सेलेक्ट करेंगे, 720p 30 फ्रेम रेट, ब्लैक स्क्रीन, क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे। अब सिंपल हमने पिक्चर ऐड करनी है तो प्लस पर टैप करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर टैप करेंगे, व्यू ऑल पर टैप करेंगे। और मैं यहाँ से आ जाती हूँ पिंस वाले फोल्डर में, मैंने पिक डाउनलोड करके रखी थी, तो मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ऐड कर लेती हूँ। तो मैं ये वाली पिक्चर सिंपल ऐड कर लेती हूँ। इस तरह से प्लस करेंगे और ये पिक्चर हमारी ऐड हो जाएगी। पहले से ही ये फिल है, अगर हम लोग करना भी चाहें तो यहाँ से इसको फिल स्क्रीन भी कर सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही आप लोग डॉट्स देख सकते हैं, ये पहले से ही फील है। अब हमने सॉन्ग ऐड करना है, प्लस पर टैप करेंगे। ऑडियो से भी सॉन्ग ले सकते हैं आप लोग, अगर आप लोगों के पास ऑडियो फाइल है तो आप लोग यहां से ऐड कर सकते हैं, आप लोगों की ऑडियो गैलरी शो हो जाएगी। और अगर आप लोगों के पास स्टेटस में है तो सिंपल इमेज एंड वीडियो पर टैप करेंगे, व्यू ऑल पर टैप करेंगे। और मैंने यहाँ पर वीडियो में से निकालना है सॉन्ग, तो मैं सिंपल आ जाती हूँ अपने फोल्डर में और ये वो वीडियो है, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ इस तरह से, और प्लस पर टैप करके थ्री डॉट पर टैप करके मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लूँगी, क्योंकि इसमें जस्ट रिंग टोन है और मुझे रिंग टोन ही चाहिए, मुझे सॉन्ग नहीं चाहिए, ये एक म्यूज़िक है। तो सिंपल मैं इसके एंड तक ले आती हूँ पिक्चर को, तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर को हम एंड तक ले आएंगे, तो इस पर डबल टैप करके इस बटन को टैप करेंगे तो पिक्चर हमारी एंड तक आ जाएगी। पिक्चर को देना है हमने इफ़ेक्ट, तो इफ़ेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे हम कलर एंड लाइट में, और यहाँ से हम ह्यू शिफ्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेंगे। और अब हमने स्टार्ट में एक की लगानी है, प्लस करेंगे और इसको ज़ीरो ही रहने देंगे, और एक की एंड में लगाएंगे, प्लस करेंगे और इसको हम 100 कर लेंगे पूरा। तो आप लोगों ने, बल्कि हमने इसको 3x प्लस करना है, 100 नहीं करना था, सॉरी, हो जाती है गलती कभी कभी, तो 3x प्लस 00 कर लेंगे इतना, और सिंपल बैक करेंगे, स्टार्ट में आ जाएंगे। और ये कुछ इस तरह से पिक्चर है, मेरी पिक्चर पर इफ़ेक्ट काम नहीं कर रहा, आप लोग कोई भी वीडियो ऐड करेंगे तो उस पर पिक्चर पर इफ़ेक्ट काम करेगा, आप लोगों ने ट्राई कर लेना है, अदरवाइज़ ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। तो सिंपल अब हमने टेक्स्ट ऐड करनी है, प्लस पर टैप करेंगे, टेक्स्ट पर टैप करेंगे और यहाँ मैं लिख लेती हूँ लव या जान, जो भी आप लोग लिखना चाहें, तो मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। और यहाँ से फॉन्ट जो है, मैं व्यू ऑल फॉन्ट पर टैप करूँगी और यहाँ से मैं सर्च कर लूँगी विंटेज क्वीन, तो ये है विंटेज क्वीन, लास्ट में मैं इस पर टैप करती हूँ और इसको यहाँ से हम अलाइन कर लेंगे। और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो हम कर लेंगे तकरीबन 64, बढ़ा लेंगे इसका साइज़ हम, ओके करेंगे। और इसका जो कलर है वो अभी के लिए हम वाइट कर लेंगे, क्योंकि हमने इसको आगे अभी एडिट करना है। तो सिंपल दोबारा से एडिट टेक्स्ट पर टैप कर दें और इसको इस तरह से पकड़ कर हम डॉट को दूर कर लेंगे, तो इसको सिंपल टैप करेंगे, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आएंगे और जहां आप लोग रखना चाहें आप लोग इसको रख सकते हैं। तो मैं सिंपल टेक्स्ट को यहाँ इस साइड पर रखती हूँ ताकि ये अच्छे से नज़र आ सके, और मैं यहाँ डबल टैप करूँगी इस पर, इस एरो पर, और इसको भी एंड तक ले आऊँगी टेक्स्ट को, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडो में आ जाना है, इसका स्ट्रोक ऑन करेंगे और इसका स्ट्रोक जो है वो हमने यहाँ से बॉक्स पर टैप करेंगे, ये वाला येलो कलर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, और इस ये 4.0 है तो इसको मैं 5.0 कर लूँगी, इस तरह से 5.0 मैंने इसको कर लिया। अब इसके बाद मैंने नीचे एंड पर टैप करेंगे, ये वाला सेकंड एरो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, 150 है तो इसको मैं 500 कर लेंगे, 500 करने के बाद सिंपल यहाँ से बैक करेंगे। अब हमने सिंपल कलर एंड फिल में चले जाना है और सेकंड बॉक्स पर टैप करके इसको यहाँ से हमने ट्रांसपेरेंट कर लेना है, जो इसमें ये देखें वाइट कलर था वो चला गया नीचे से, अब हमारी जो पिक्चर है उसकी वो बैकग्राउंड शो हो रही है। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट नीचे तक कर लेते हैं, सिंपल बैक करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देना है, इफ़ेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे
और यहाँ से आ जाएंगे हम ड्राइंग एंड एज में, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग प्रोग्रेस, और इसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करेंगे। एंड वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, प्लस करेंगे, और लास्ट वाले में आ जाएंगे, इसको भी प्लस कर देंगे। तो ये लास्ट वाला 100 है, और जो एंड वाला है मतलब जो हमारा पहला है उसको हमने ज़ीरो करना है। देखें ये सारा रिमूव हो जाएगा, और अब हम एंड वाले वाली की में आते हैं तो देखें ये 100 है, तो ये पूरा शो हो रहा है। तो अब सिंपल यहाँ से बैक करते हैं, एक और इसको इफ़ेक्ट देंगे, तो वो हमने जो इफ़ेक्ट है अपनी पिक्चर में चले जाना है। पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इफ़ेक्ट्स पर टैप करेंगे, 3 डॉट पर टैप करके कॉपी इफेक्ट्स कर लेंगे। ये इफ़ेक्ट मैंने यहाँ इसलिए दिया था ताकि बाद में टेक्स्ट में ऐड करने के लिए यहाँ से कॉपी करके ऐड कर लें। तो सिंपल मैं इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ, इफेक्ट्स पर टैप करती हूँ, 3 डॉट पर टैप करके पेस्ट इफेक्ट कर देंगे। तो देखें टेक्स्ट के कलर जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो लेकिन मसला यही था कि जो मेरी पिक्चर है वो ब्लैक एंड वाइट है, तो उसमें मतलब नहीं कलर शो हो रहे थे। अब हमने टेक्स्ट को इफ़ेक्ट देने के बाद सिंपल वीडियो ऐड करनी है, एक वाटर वाली, प्लस पर टैप करेंगे, इमेज एंड वीडियो पर टैप करेंगे, व्यू ऑल पर टैप करेंगे, और मैं अपने फोल्डर में जाकर उस वीडियो को ऐड कर लेती हूँ। आप लोगों ने सिंपल इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना है तो मैं आप लोगों को वो वीडियो सेंड कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर लिंक देने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लोगों से लिंक के ज़रिए कुछ भी डाउनलोड नहीं होता इतना मुझे पता है। तो आप लोग के लिए सबसे बेस्ट वे यही है कि आप लोग इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे ले लिया करें जो भी आप लोगों को मटेरियल चाहिए हो। तो सिंपल ये वीडियो है, तो मैं इस तरह से प्लस पर टैप करके इसको ऐड कर लेती हूँ, और 3 डॉट पर टैप करके इसको स्ट्रेच टू स्क्रीन कर लेंगे। ये देखें ऑटोमेटिक ये फिल हो गई है, तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। ये देखें ये हमारी जो वीडियो है ये ज़्यादा है, तो हम इसको यहाँ तक ही रखेंगे जहाँ तक हमारी टेक्स्ट और सॉन्ग वगैरह है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कट वाले बटन पर टैप करके कट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, इस वीडियो को हमने इफ़ेक्ट देना है, इफ़ेक्ट्स पर टैप करेंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे, मैटी मास्क की में आ जाएंगे, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे लूमा की, इसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद इसको हम स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेंगे। और जो इसका ये लो ऑप्शन आ रहा है ये है 0.000, तो इसको हमने कर लेना है 0.100। तो देख लेते हैं, ये देखें जो ब्लैक ब्लैक पार्ट्स थे वीडियो में वो रिमूव हो गए हैं। तो 0.100 कर लिया मैंने इसको। अब सिंपल ये इफ़ेक्ट कंप्लीट हुआ, बैक करेंगे, ऐड इफेक्ट पर टैप करेंगे, एक और इफेक्ट देंगे डिस्टॉर्शन एंड वाप में आ जाएंगे, और यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेना है ग्लास रेडियस। तो मैं देख लेती हूँ, ये है ग्लास और ग्लास रेडियस, तो मेरे ख़्याल से यही है, तो मैं इसको ही ऐड कर लेती हूँ। ग्लास वाले पर टैप करती हूँ इस तरह से, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लूँगी। अब इसके यहाँ 3 डॉट पर टैप करेंगे, और इसका ये अंदर रेडियस लिखा हुआ है, तो सिंपल ये 50 है, तो मैं इसको 30 कर लूँगी। थर्टी करने के बाद अब नीचे आ जाएंगे और इसकी एलिवेशन को सिलेक्ट करेंगे, 2.50 है तो इसकी एलिवेशन हम 1.50 कर लेंगे, 1.50 इधर है इतना। और अब उसके बाद हमने नीचे आ जाना है, और स्पेक्युलरिटी है इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कर लेंगे 50, 30 है तो 50 कर लेते हैं पूरा। और शाइन को सिलेक्ट करते हैं, शाइन जो है उसको हम 1.00 कर लेंगे, 0.80 थी तो हमने इसको फुल कर लिया। आप रिफ्रैक्शन में आ जाते हैं, और रिफ्रैक्शन को हम 0.25 है तो 0.50 कर लेंगे इतना। अब सिंपल हमारा जो इफ़ेक्ट है वो कंप्लीट हुआ, बैक करते हैं, और मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके दिखा देती हूँ किस तरह से बनी है मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, बहुत ही ईजी थी आज की वीडियो, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।